हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साल जीरो ऑयल कुकिंग। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं 7 डेज वेट लूज मेन्यू प्लान सीरीज। तो चलिए हम डे 3 की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम मॉर्निंग की शुरुआत क्यूकुम्बर डिटॉक्स वाटर से करेंगे। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सचर जार लेंगे, उसमें एक बोल कटा हुआ खीरा, हाफ बोल पुदीना के पत्ते, स्वाद अनुसार काला नमक, हाफ कटी हुई अदरक, आधा नींबू, आधा गिलास पानी डालकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसे छान लेंगे। हमारा क्यूकुम्बर मिंट डिटॉक्स ड्रिंक बनकर तैयार है। अब हम लेमन और मिंट लीव्स से गार्निश करके सर्व करेंगे। नेक्स्ट हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में हम क्विनवा सैलेड और वाटरमेलन सर्व करेंगे। दोस्तों, रेनबो क्विनवा सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर में एक बोल क्विनवा डालेंगे, फिर इसमें हाफ ग्लास पानी और स्वाद अनुसार नमक डालकर कुकर को बंद करके रख देंगे और 2 सीटी आने का इंतजार करेंगे। यही साथ ही हम दूसरे पैन में कॉर्न को भी उबालने के लिए रख देते हैं। हम हाफ बोल कॉर्न पैन में डालेंगे और 1 कप पानी डालकर बॉईल करने के लिए रख देंगे। क्विनवा और कॉर्न दोनों ही पक चुके हैं। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे और उसमें क्विनवा को डाल देंगे, फिर इसमें हाफ बोल कैप्सिकम, हाफ बोल रेड बेल पेपर, हाफ बोल येलो बेल पेपर, हाफ बोल कैरेट, हाफ बोल टमाटो, हाफ बोल अनियन और हाफ बोल क्यूकुम्बर, 1 बोल बॉइल्ड स्वीट कॉर्न और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें हम 1 स्क्वीज लेमन और 1 टीस्पून ग्रीन चिली, थोड़े से धनिया के पत्ते और 1/4 चिली फ्लेक्स ऐड करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। हमारा क्विनवा सैलड बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और दूसरे बोल में वाटरमेलन को चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर के साथ सर्व करेंगे। अब हम मिड मॉर्निंग में 1 ग्लास खजूर मिल्क शेक सर्व करेंगे और इसके लिए हम 1 ग्लास मिल्क एक मिक्सचर जार में डालेंगे, फिर इसमें 1 टेबलस्पून खजूर, 1 पिंच सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे, फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा खजूर मिल्क शेक बनकर तैयार है। अब हम इसे 1 ग्लास में डालकर सर्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट लंच बनाएंगे। लंच में हम वेजिटेबल ब्लैक मसूर दाल और क्यूकम्बर रायता के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले हम कुकर में 1 टीस्पून जीरे को भून लेंगे, फिर इसमें हाफ बोल अनियन को भी अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें हम 1 कप पानी डालकर हाफ बोल कटे हुए टमाटर डाल देंगे, फिर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और 1 कप पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम 1 टीस्पून हरी मिर्च और 1/2 बोल कैरेट, 1/2 बोल बीन्स और 1/2 बोल कैप्सिकम और 1/2 बोल येलो बेल पेपर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 1 बोल सौक दाल डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 कप पानी डालकर कुकर को बंद करके पकने के लिए रख देंगे। अब हम 3 सीटी आने का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हम रायते के लिए साइड में एक पैन को गरम करके हींग और जीरे को अच्छे से भूनेंगे और इन्हें कूट लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, हमारी दाल पक चुकी है। अब हम इसमें हाफ बोल धनिया के पत्ते डालेंगे। अब हम नेक्स्ट रेसिपी क्यूकम्बर रायता बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए एक बड़ा बोल लेंगे और उसमें एक बोल दही लेंगे, फिर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक टीस्पून या एक पिंच के बराबर भुना हुआ जीरा, एक बोल ग्रेटेड क्यूकम्बर और एक टेबलस्पून धनिया के पत्ते डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालकर इसे मिला लेंगे। हम वेजिटेबल दाल को क्यूकम्बर रायता के साथ कुछ इस तरीके से सर्व करेंगे। मिड इवनिंग हम मुरमुरे चाट सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया की चटनी बनाएंगे और उसके लिए हम एक मिक्सचर जार में एक बोल धनिया के पत्ते, एक टीस्पून राई, एक से दो ग्रीन चिली और हाफ कटी हुई अदरक और एक बोल दही में एक नींबू निचोड़ देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। अब हम मुरमुरा चाट बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बोल मुरमुरे में एक बोल टमाटो, एक बोल अनियन और एक टीस्पून चाट मसाला और एक टीस्पून आमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर, एक टीस्पून हरी मिर्च और दो टीस्पून ग्रीन चटनी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी मुरमुरे चाट बनकर तैयार है और इसे एक बोल में डालकर अच्छे से सर्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट डिनर बनाएंगे। डिनर में हम दो वेजिटेबल स्टफ रोटी और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। हम एक बोल लेंगे, उसमें हाफ बोल कसी हुई गाजर, हाफ बोल कसी हुई गोभी और हाफ बोल प्याज और कुछ धनिया के पत्ते और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर देंगे। फिर इसे हम रोटी में कुछ इस तरीके से स्टफ करके रोटी को बेल लेंगे। और फिर रोटी को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। हमारी वेजिटेबल स्टफ रोटी बनकर तैयार है। अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। अब हम पोस्ट डिनर में साल्ट टी सर्व करेंगे। हम एक गहरे पैन में हाफ ग्लास पानी डालेंगे, फिर इसमें हाफ टी स्पून मुलेथी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर और एक तेज पत्ता डालकर इसे अच्छे से उबालेंगे। देखिए ये उबल चुकी है और हमारी साल्ट टी बनकर तैयार है। दोस्तों, डे 3 वेट लॉस सीरीज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डे 4 की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए साउजी रॉयल कुकिंग में बने रहें। धन्यवाद।